हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे रूट्स की वी ग्राफ्टिंग कैसे करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक प्लांट ले लेंगे उस पर हम वी ग्राफ्टिंग करनी है, तो उसे ऊपर से काट देंगे। आप इसके लिए चाकू, कटर या ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो में देखिए, इस तरह आप ऊपर से कट कर दीजिए और ऊपर का भाग है तो उस पर थोड़ी सी भी कुछ रहना नहीं चाहिए, तो आप इस तरह कट कर लीजिए। ये ऊपर का भाग है वो भी कट कर लीजिए। उसके आजू बाजू जो कांटे हैं वो भी हटा दीजिए, ताकि आपको जब लास्ट में आप इसे प्लास्टिक से कवर करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो आप इस तरह ये पत्ते भी हटा दीजिए। उसके बाद हमें अंदर वी शेप लगाना है। आप वीडियो में देखें, इसी तरह वी शेप लगाना है। आप वीडियो एंड तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस तरह वी शेप लगा दीजिए। बड़ी सावधानी से लगाएं, क्योंकि आप कटने की संभावना है, तो आप धीरे से ये लगाएं। इस तरह वी शेप लगा दीजिए। आप ये वी शेप लगाने से पहले आप जो नाइफ या कटर यूज़ करें उसे स्टरिलाइज कर लें अल्कोहल से या किसी और चीज़ से। इस तरह ऊपर जो हमें वी ग्राफ्ट लगाना है उसके लिए एक हेल्दी हम शाखा चयन करेंगे और उस पर वी शेप तिरछा छेद लगाएंगे, ताकि ये अंदर से बिल्कुल जोड़ पकड़ ले, अंदर फिट बैठे। उसी तरह हमें वी शेप लगाना है। तो आप देख सकते हैं वी शेप लगा लीजिए इस तरह आप लगा लीजिए। और अब इसे क्या करेंगे हम, तो अंदर जोड़ बिठा देंगे। अगर आपको रोज़ कटिंग का वीडियो देखना है, रोज़ कटिंग कैसे ग्रो करें और रोज़ साइड ग्राफ्टिंग का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप अब रोज़ को इस तरह वी ग्राफ्टिंग करेंगे। इस तरह आप मजबूत अंदर से जोड़ पकड़ ले, इस तरह लगाई। इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया। और अब क्या करेंगे, तो पट्टी से, प्लास्टिक की पट्टी से मजबूत जितना हम खींच सके उतना टाइट बांधेंगे, तभी ये सक्सेस होगी। और इसका सीजन क्या है बांधने का, तो आप विंटर या रेनी सीजन में बांध सकते हैं, और गर्मी के सीजन में ये बांधना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी। तो आप इस तरह बांध लीजिए, बिल्कुल टाइट बांधना है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें और आपको जानकारी देते रहें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जो हमें सक्सेस रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार करें।